तुम्हारा आखिरी सवाल, फिर इसके अंदर जा रहे हैं। आपको क्या चिंता है गुटबाजी की? आप भारतीय जनता पार्टी के इंजन से इंजन टकरा रहे हैं, उसके बारे में तो लिखते नहीं ना बोलते हो। ये बहुत अभी नए है पत्रकार, ये अभी आए हैं, इन्हें ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था किसी और को, वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे। जब से पूजा पाठ खत्म नहीं हुई, बन कोई और गया मुख्यमंत्री, और एक अधिकारी रिटायर होकर के मंत्री बनने आए थे, डिप्टी सीएम बनने आए थे, उनको मन मर्जी का घर नहीं मिला है। वो अपनी मन मर्जी का घर उन्हें अलॉट हो गया था, वो घर भी छीन लिया गया। तो हमारी एक जिले की एक ब्लॉक में तहसील में कहीं गुटबाजी है, उसकी चिंता है। जो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं आपको? बड़े पत्रकार हो शायद। खबरें क्यों, खबरें की खबरों बनाते हो, कोई कितना भी रहे। सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है, नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट के तमाम आयोजन हुए उत्तर प्रदेश में। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हुए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे इन्वेस्टमेंट के, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उन सभी उद्योगपतियों ने वादा किया था, MOU साइन किए थे, और यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आखिर वो इन्वेस्टमेंट कहां दिखाई दे रहा है, किस जिले में दिखाई दे रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, सड़कों का बनना, बिजली का उत्पादन बढ़ना या और सुविधाएं देना, वो आखिर समाजवादी सरकार की थी। आज सरकार क्या कर रही है? इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।